जी हाँ, 7 अक्टूबर के हमले के बाद 7 नवंबर का इंतजार। क्या और कोई बड़ा हमला हमास की तरफ से हो सकता है या फिर जवाबी कार्रवाई इसराइल की तरफ हो सकती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच खबर इसराइल हमास वॉर जोन से एक के बाद एक कई आ रही हैं, कई विध्वंसक जानकारियां सामने आ रही हैं। सभी खबरें आपको डिटेल में बस थोड़ी देर में बताएंगे। इधर अगले 24 जंग के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं 24 घंटे, क्योंकि कल 7 नवंबर है, ये खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले अभी की 5 बड़ी खबरें क्या है ये जान लीजिए। 7 अक्टूबर के बाद कल 7 नवंबर को हमास बड़ा हमला कर सकता है। गाजा में बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल। ईरान ने इजरायली हमले को लेकर अमेरिका पर बड़ा आरोप भी लगाया है। साथ ही जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के गठजोड़ से युद्ध में नया मोड़ आ सकता है। इसके अलावा एक और जरूरी जानकारी है कि इजराइल हमास जंग जल्द खत्म नहीं होगी, लंबी चलने के संकेत मिल रहे हैं। और अब हम आपको इसराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे, साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे जो युद्ध की भयावहता की कहानी बताएंगी। सबसे पहले देखिए इसराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहली बड़ी खबर यह कि यरूशलम में अलक्सा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ है। कई फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है अलक्सा मस्जिद के बाहर से प्रदर्शन करते हुए। और अगली बड़ी खबर, IDF ने हमास के लड़ाके को किया है गिरफ्तार। यरूशलम से हमास के एक लड़ाके को गिरफ्तार किया गया है, बाब अल साहिरा के पास किया गया था हमला। और 31वें दिन भी गाजा युद्ध जारी रहने की खबर मिल रही है। गाजा पट्टी में भयंकर तबाही हुई है। एक और बड़ी खबर यह कि तुर्की का उत्तरी सीरिया में ऑपरेशन, 2 उग्रवादियों को मार गिराया गया, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। और गाजा में इस बीच जॉर्डन ने पहुंचाई है मदद, फील्ड हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है साजो सामान, मेडिकल सामान एयर ड्रॉप किए गए हैं। जॉर्डन की एयरफोर्स का ये ऑपरेशन जिससे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जो सामान भेजा गया है, किस तरह भेजा गया, कैसे, जो गाजा के लोगों के लिए जरूरी सामान है उसे एयरक्राफ्ट के जरिए एयर ड्रॉप किया गया है, उसकी तस्वीरें जॉर्डन की तरफ से जारी की गई हैं। और बताया ये गया है कि जॉर्डन कैसे मानवीय मदद भेज रहा है गाजा के लोगों के लिए। बड़ी खबर आ रही है, यरूशलम में आतंकी हमले से हड़कंप है, 2 इजरायली नागरिकों पर चाकू से हमला हुआ है, चाकू चलाने वाला हमलावर मारा गया है। एक और बड़ी खबर, यूएस बेस पर हमले का वीडियो सामने आया है, इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला, अटैक ड्रोन लॉन्च करने का वीडियो सामने आया है, सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। और अगली बड़ी खबर, गाजा हमलों पर IDF का बड़ा दावा, 24 घंटे में 450 ठिकानों पर हमले का किया गया है दावा, हमास के कैंपस और टैंकों को तबाह करने का IDF कर रही है दावा। जानकारी यह मिल रही है इस बीच गाजा में हमास के एक और ठिकाने पर इसराइल का कब्जा हो गया है, ग्राउंड फोर्स की गाजा में बड़ी कार्रवाई हुई है, IDF ने जारी किया है हमले का वीडियो। IDF के ऑपरेशन में कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। एक और बड़ी खबर यह कि हमास पर इसराइल ने बड़ी जानकारी सामने रखी है, इंडोनेशियाई अस्पताल के पास सैन्य ठिकाना है, हमास की खुफिया सुरंगों पर इसराइल ने बड़ा दावा पेश किया है, अस्पताल के आसपास भूमिगत कमांड सेंटर मौजूद है। और एक और बड़ी खबर, हमास कल इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। जी हां, 7 नवंबर की तारीख का बार बार जिक्र हो रहा है क्योंकि इसराइल को दहलाया गया था 7 अक्टूबर को और अब 7 नवंबर आ रही है। 7 नवंबर को देखते हुए इसराइल में अलर्ट जारी किया गया है, पिछली बार की तरह हमले की तैयारी में है हमास। 7 अक्टूबर को इसराइल को दहलाने की कोशिश की गई थी जब हमास के लड़ाकों ने इसराइल के अंदर घुसकर बार-बार हमला किया था। हमास के इस हमले में 1400 से ज्यादा लोग इसराइल में
मारे गए थे और अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजरें। तो देखिए, कल है 7 नवंबर और 7 नवंबर का खौफ अब साफ तौर पर देखा जा रहा है इसराइल में। इसराइल पर हुए हमले को कल एक महीना पूरा हो रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया था और कल फिर बड़े हमले कर सकता है हमास, ऐसी आशंका है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही जानकारी ये है कि हमास कई बार हमले की बात कह चुका है और इसी बात को अगर माने तो आने वाला कल यानी कि 7 तारीख खतरनाक हो सकती है इसराइल के लोगों के लिए। इस बार टारगेट दूसरी जगह हो सकता है। हमला क्यों हो सकता है ये भी आइए आपको बता दें। इसराइल को संदेश देने की कोशिश है, युद्ध विराम के लिए दबाव बनाना इसका बड़ा मकसद है। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में युद्ध लंबा चलेगा ऐसी जानकारी मिल रही है। जंग पर इसराइल ने बड़ा बयान दिया है, सीज फायर को शब्द कोश से हटा दो, यानी सीज फायर की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी हो हम रुकने वाले नहीं है, कहना है इसराइल का। और इस बीच अहम खबर यह कि आईडीएफ का उत्तरी गाजा पर हमला हुआ है। बेथनौन इलाके पर इसराइल ने जोरदार हमला बोला है। हमले में नॉर्थ गाजा का यह पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, खबर यह कि हिजबुल्ला को इसराइल की बड़ी चेतावनी। आईडीएफ के टॉप अफसर ने TV9 से कहा है, नसरुल्लाह गलती मत करे, हिजबुल्ला के हमले का करारा जवाब दिया जा रहा है। आईडीएफ के अफसर ने यह भी बताया है कि गाजा पट्टी में हम सर्किल को छोटा कर रहे हैं और हमास के मुख्य ठिकानों को साउथ गाजा से अलग किया जा रहा है। और सीधे हम रुक कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ गाजा बॉर्डर से मनीषा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही विपिन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट देने के लिए। मनीष, सबसे पहले आप डिटेल में जरा बताइए, ये जो बड़ी चेतावनी हिजबुल्ला को इसराइल की है, इसके मायने, क्योंकि कल एक महीना पूरा हो जाएगा इस युद्ध को। बिल्कुल, देखिए आपसे बात करने से पहले मैं आईडीएफ के टॉप लेवल के अधिकारी से ही बात कर रहा था और उन्होंने कई अहम डिटेल दी है जो मैं बता दूं। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहां पर हैं, तो मैंने कहा कि मैं गाजा बॉर्डर पर स्थित मौजूद हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आज 31वां दिन है और आज 6 नवंबर है, 6 अक्टूबर को यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, सब हम लोग हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन एक हफ्ते में क्या कुछ हो गया। तो मैंने कहा आज क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा आज की स्थिति यह है कि हमने जो गाजा को घेर रखा है उसकी जो उसको धीरे धीरे उस सर्कल को और छोटा करते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नॉर्थ में जो हिजबुल्ला के हमले हो रहे हैं, तो नसरुल्ला गलती ना करे, हम उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। और आगे भी उन्होंने कहा कि हम सुरंगों को लेकर हमास की क्या रणनीति होगी, जब मैंने हमास को लेकर क्या रणनीति होगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी आप जो गाजा जानते हैं वो 2 गाजा है, एक जमीन के ऊपर एक जमीन के अंदर। जमीन के ऊपर तो हम समतल कर रहे हैं एयर स्ट्राइक से, लेकिन जमीन के अंदर टनल में हम कैसे लड़ेंगे ये ऑपरेशन डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना भरोसा रखिए कि आईडीएफ संभाल लेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आईडीएफ की फिलहाल रणनीति यही है कि जिसको सर्कल किया गया है उसे धीरे धीरे करके बिल्कुल मनीष यानी बंद कर दिया जाए कि टनल के भीतर ही रहने। आईडीएफ बहुत तेजी से एक्शन ले रहा है और जमीन के ऊपर जमीन के नीचे गाजा में जो भी उन्हें लगता है कि ये ऐसी जगह है जिसको टारगेट करना चाहिए उसे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, बड़ा सवाल ये है कि कल 7 नवंबर है और हमास भी क्या कुछ कर सकता है, क्या कोई बड़ा हमला कर सकता है, क्या इसको लेकर भी कुछ शंकाएं जाहिर की जा रही हैं? देखिए, शंकाएं तो ज़रूर जाहिर की जा रही हैं सुबैरा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। वजह यह है कि जिन सीमाओं को वो तोड़ कर आए थे आज की तारीख में, उन सीमाओं से वो 15 से 20 किलोमीटर तक पीछे हैं और उनका दायरा सिमटता जा रहा है। उस दायरे को मैं आपको लाइव कैमरे पर दिखा रहा हूँ और ये देखिए सामने हम जहां पर खड़े हैं, ये इसराइल की आखिरी जमीन है, ये सीमा है और इसके पास सामने जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो गाजा की सीमा है और गाजा शहर पूरा आपको नजर आ रहा है। और सामने देखिए कैसे हमला किया गया है, ये ताजा हमला करने की बात की तस्वीर और उठता हुआ धुआं। अब साफ तौर पर आप देखिए कि हालात क्या है, इसी से आप समझिए कि गाजा कैसे सिमटता हुआ चला जा रहा है। यहां से लगभग ये 5 किलोमीटर दूर का एरिया होगा जो नजर आ रहा है, उस एरिया में लगातार हमले हो रहे हैं। जहां पर हम खड़े हैं यहां रह रहकर
तोप के गोले, टैंक्स के गोले दागे जा रहे हैं और उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। रह रहकर हमें एयर रेड अलर्ट सारण भी इस इलाके में सुनाई दे रहा है और ये उठता हुआ धुआं तस्दीक कर रहा है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। विपिन चौबे और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त इस खतरनाक वॉर जोन में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। गाजा को दो हिस्सों में तोड़ा जा चुका है, काटा जा चुका है और नॉर्थ गाजा में इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमास को लेकर सैन्य विशेषज्ञ का इस बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। सैन्य विशेषज्ञ सीन बेल का हमास पर दावा, अगले दौर की तैयारियों में जुटा है हमास। इजरायली सेना पर हमले की जा रही है तैयारी हमास की तरफ से, यह बताया गया है। हिट एंड रन की रणनीति पर काम करेगा हमास, ये इजरायली सेना को अंदेशा है। तो हमास का आने वाले वक्त में वॉर प्लान इजराइल के खिलाफ क्या रहने वाला है, इसे लेकर जो अंदेशा जताया गया वो अब आपके सामने है। रात में हमले की योजना है, गुरिल्ला हमले होंगे ये बताया गया है, फिदाइन अटैक की भी आशंका जताई गई और साथ ही बारूदी सुरंग सभी रास्तों में इस तरह से अटैक की तैयारी है कि किसी को बचने का मौका ना मिले। सभी रास्तों में IDF मैनपैड से अटैक, हिट एंड रन का प्लान है। इसके अलावा गुप्त ठिकानों से भी हमले किए जाएंगे, अंडरग्राउंड दस्ते को भी तैयार कर लिया गया है, तो इस तरह से हमले करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। गाजा में इजराइल एयरफोर्स ने हमला किया है, अल गाफरी टावर पर बम गिराया गया है, हमले में 3 लोग घायल हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है कि अल गाफरी टावर पर बम गिराए गए हैं जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं, ये जानकारी फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से सामने आई है। और देखिए बड़ी खबर है, गाजा में इजरायली पकड़ धीरे धीरे और मजबूत होती नजर आ रही है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ी है IDF। गाजा मध्य में अल राशिद तक पहुंच गई है IDF। IDF के जवान धीरे धीरे करके और आगे बढ़ रहे हैं। IDF को ग्राउंड ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी मिली है, अल राशिद तक अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान पहुंच गए। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि IDF के अफसर ने TV9 से कहा है कि एक गाजा ऊपर है, दूसरा जमीन के नीचे है। ये IDF के अफसर ने कहा है, टनल के अंदर भी हमास से निपट लेंगे, ये दावा IDF के अफसर कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि जो गाजा ऊपर है उससे भी लड़ाई जारी है और जो टनल के अंदर है उनसे भी लड़ाई जारी रहेगी। अगले 24 घंटे में गाजा युद्ध का फैसला हो जाएगा क्या, हमास के ठिकानों में घुसेगी IDF, ये कहना IDF का। गाजा शहर में एंट्री कर जाएगी IDF, कई दिशाओं से आगे बढ़ रही है इजरायली डिफेंस फोर्स, यानी इजरायल के सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सैनिक कुछ घंटे बाद घुस जाएंगे गाजा में जाकर, हमास में होगा IDF और हमास के बीच होगा भीषण युद्ध। अब ऐसा कहा जा रहा है होगी आमने सामने की भीषण जंग IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स और हमास के लड़ाकों के बीच। लेकिन 7 नवंबर का दिन कैसे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या हमास का कोई डर है, IDF का क्या फाइनल प्रहार होगा, यानी देखिए किस तरह से गाजा पट्टी में एंट्री होने वाली IDF की, नॉर्थ से घुसेगी IDF। IDF का प्लान यह है कि 4 दिशाओं से अटैक किया जाए, चारों दिशाओं से अटैक करते हुए अंदर घुसे, साउथ गाजा से हमले किए जाएंगे। इसके अलावा IDF का प्लान यह भी है कि शहर में सैन्य घेरेबंदी की जाए। जी हाँ, तो IDF ने क्या प्लान बनाया है वो आपके सामने है। दो हिस्सों में गाजा पट्टी को बांट दिया गया, एक नॉर्थ गाजा दूसरा साउथ गाजा।
भूमध्य सागर से भी आईडीएफ का दस्ता अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब फाइनल ऑपरेशन नॉर्थ गाजा में होने जा रहा है। सुरंग में घुसेंगे कमांडोज, ये जानकारी सामने मिल रही है। उधर समुद्री तट पर तोपखाना भी डिप्लॉय कर दिया गया और इन्हीं सुरंगों में अपने अड्डे बना रखे हैं हमास के लड़ाकों ने। अब इन सुरंगों पर वार की तैयारी है। सुरंगों के गेट पर सेना पहुंच गई है और 8 किलोमीटर अंदर तक आईडीएफ के जवान घुस चुके हैं गाजा पट्टी के अंदर। 7 नवंबर को बदला पूरा हो जाएगा ये उम्मीद की जा रही है आईडीएफ की तरफ से। पूर्वी मोर्चे से हमले और ज्यादा तेज हुए हैं। कहा यह गया है कि हमास का पूरी तरह से जड़ से खात्मा कर देंगे। सुरंगें जिसमें पनाह ले रखी है हमास के लड़ाकों ने उसे तहस नहस कर दिया जाएगा और रेगिस्तान से भी रॉकेट अटैक किए जाएंगे। और यही वजह है कि नॉर्थ गाजा में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें साउथ गाजा जाने के लिए कहा गया, 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद तमाम लोग साउथ गाजा की तरफ पलायन कर चुके हैं। तो आईडीएफ का फाइनल प्रहार जिसकी इस वक्त आप तस्वीर देख रहे थे, खबर आ रही है 7 अक्टूबर को स्टेडरोड इलाके में जहां से फेंसिंग काटकर हमास लड़ाके इसराइल में घुसे थे, वहां से टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। हमले के 1 महीने पूरे होने के बाद अब इसराइल में कैसे हालात हैं वो बता रहे हैं विपिन चौबे। टीवी 9 भारतवर्ष की मौजूदगी गाजा और इसराइल की उस सीमा पर है जहां से फेंसिंग को तोड़कर हमास के लड़ाके इसराइल की सीमा में दाखिल हुए थे और सेडरोड के पुलिस स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था। देखिए ये पूरा इलाका कैसे घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया है और सामने आपको वो फेंसिंग नजर आ रही है जिसको तोड़कर लड़ाके यहीं से दाखिल हुए थे और सेडरोड के पुलिस स्टेशन में उन्होंने जंप कर बवाल काटा। 58 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और इस समय हालात कैसे हैं यहां से आप देखेंगे। ये वो इलाका, फिलहाल इस एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, मतलब यहां से आगे जाना किसी के लिए अलाउड नहीं है। रुक रुक कर आपको साफ तौर पर वो नजर वो आवाजें सुनाई देंगी जो लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। योराम अराबगिल ये शहर का नाम है और इसके आगे स्टोरेज शुरू हो जाता है और साथ साथ आप देखेंगे सामने आपको इसराइल का झंडा। आवाज सुनिए, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और सामने आपको वो फेंसिंग नजर आ रही है जिसके बाद गाजा की सीमा शुरू हो जाती है। यहां से मुझे गाजा पट्टी के वो शहर, आप ये पहाड़ी के उस पार आपको जो शहर नजर आ रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन गंगा सिंह आपको दिखाएंगे गाजा पट्टी की वो शहर जहां पर इस वक्त लड़ाई जारी है और इन तमाम इलाकों में फिलहाल इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों से लैस है ये पूरा इलाका। रह रहकर देखिए हमें कहा जा रहा है कि खाली करिए क्योंकि रह रहकर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इन हमलों में दोनों तरफ से जाने भी जा रही हैं। लगातार इसी जगह से जो इसराइल की फोर्सेस है यानी आईडीएफ ने यहां से ऑपरेशन शुरू किया क्योंकि इसी जगह से वो जो हमास के लड़ाके थे उन्होंने हमला बोला। और ये देखिए सेडरोड लुकआउट ये पूरा इलाका है, यहीं से वो अंदर दाखिल हुए। फिलहाल इस पूरे शहर को खाली कराया गया है एहतियातन। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। हमास ने बयान जारी किया है और दावा किया है इसराइल के 4 वाहनों को तबाह करने का दावा किया गया है हमास द्वारा। किस तरह से दावा किया गया है उसको लेकर एक बयान हमास ने जारी किया है जिसमें कहा है कि उन्होंने इसराइल के 4 वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमास की तरफ से लगातार ये बताने की कोशिश की वो किस तरह से नुकसान पहुंच रहा रहे हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस को। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं। इसराइल के निर आम बॉर्डर से जहां से गाजा पर फायरिंग हो रही है वहां से विपिन चौबे की अब आपको एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। एक बड़ी पोस्ट है आर्मी की जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं और इसके अलावा आप साफ तौर पर वाटर एंड डिफेंस एरिया देख सकते हैं। इसके अलावा निर आम वो बेस कैंप है जिस बेस कैंप से फिलहाल इजरायली आर्मी यानी इजरायली डिफेंस फोर्स हमला कर रही है।
आप देखिए कैसे इस इलाके में सब कुछ बंद कर दिया गया है, और रह रहकर जब मैं इस रिपोर्ट को फाइल कर रहा हूं तब आपको बॉम्ब्स की आवाज सुनाई देगी, रॉकेट्स की आवाज सुनाई देगी जो दोनों तरफ से दागा जा रहा है। इसराइल की फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं और उस एरिया में घुसने की कोशिश कर रही है जो हमास के कब्जे में है। ये देखेंगे ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन है जिसको पूरा बंद कर दिया गया है, यहां से फेंसिंग है और इसके नीचे आप देखेंगे सब कुछ बंद है। और साथ साथ में वो आवाजें भी सुनिए जो बैकग्राउंड में आपको आ रही हैं, ये आवाजें बताने के लिए काफी हैं कि बॉर्डर पर बहुत ज्यादा तनाव है। मेरे आवाज सुनिए, रह रहकर बड़े बड़े तोप के गोलों की आवाज आपको सुनाई देगी, रॉकेट्स के हमले किए जा रहे हैं और हर तरह से हमास की उस जमीन पर कब्जा जिस जमीन का इस्तेमाल करके इसराइल पर हमला किया गया और बेकसूरों को मारा गया। दाहिने हाथ पे ये जो इलाका मेरे दाहिने हाथ में है ये बॉर्डर के उस पोस्ट की तरफ जाता है जहां से सीमाओं को सील किया गया है और वहां आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है। निराम वो इलाका है, आप समझिए यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर गाजा का बॉर्डर है। और सामने मेरे बाईं तरफ अब आप देखेंगे वो फेंसिंग देखिए, यहीं से उसके उस पार जो आपको नजर आ रहा है वो नो मैंस लैंड है और ये फेंसिंग इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा को डिवाइड करती है। और उसी सीमा पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आवाज सुनिए, ये जो तोप के गोले दागे जा रहे हैं ये उनका आवाज है और ये आवाजें सिर्फ आपको बॉर्डर पर सुनाई देंगी। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिदायीन हमलों से जवाब देगा हमास। हमास का कहना है कि वो फिदायीन हमले भी करेगा। गाजा में आईडीएफ पर आत्मघाती हमलों का प्लान बनाया गया है। हमास, हिजबुल्ला, मलेशिया के फिदायीन ग्रुप तैयार हैं हमला करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स पर। लेबनान से लेकर ईरान तक आत्मघाती दस्तों में भर्ती की जा रही है। मिडल ईस्ट की मीडिया में यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर तैयार किए जा रहे हैं। तो क्या जंग में फिदायीन ब्रिगेड उतारने का इरादा किया गया है, इसकी तैयारी है क्या? हजारों मानव बम तैयार, ये खबर बहुत खौफनाक है। आत्मघाती प्लान, मरेंगे या फिर मारेंगे, युद्ध का ये फिदायीन फेज माना जा सकता है। फिदायीन हमले की तैयारी की जा रही है और आने वाले वक्त में आशंका यह है कि फिदायीन हमले अंजाम दिए जाएंगे। खूंखार अल अक्सा फोर्स को इसके लिए तैयार किया गया है और धर्म के नाम पर इन लड़ाकों को तैयार किया गया है, इनका ब्रेन वॉश किया गया है। हिजबुल्ला में फिदायीन भी मौजूद हैं और भर्ती सीरियल धमाके होंगे इन लड़ाकों के जरिए, ये साफ तौर पर आशंका नजर आ रही है। ईरान में भी फिदायीन दस्ते तैयार किए गए हैं, ये जानकारियां भी मिल रही हैं। 5 जिहादी ग्रुप एकजुट हुए हैं, मरने मारने की पूरी तैयारी किस तरह से की गई है ये अब नई खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी खबरें सामने आ। और साथ ही जंग में फिदायीन ब्रिगेड कैसे तैयार है, फिदायीन भर्ती के इश्तिहार छपवाए जा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि कितना बड़ा आत्मघाती प्लान है जिसमें मरने मारने को लेकर कुर्बानी का रास्ता उन्हें बताया जा रहा है कि यह कुर्बानी का रास्ता होगा। और ऐसे में इसमें हजारों मानव बम कैसे तैयार हो रहे हैं जिसमें आत्मघाती प्लान में हमास हूती में भर्ती तेज है और इसके अलावा मानव बम की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खबर ये मिल रही है कि इजरायली सेना के रमला में छापेमारी हुई है, हमास लड़ाकों की तलाश में छापेमारी हुई है। हमास के लड़ाकों को इस दरमियान गिरफ्तार भी किया गया है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमास लड़ाकों की तलाश में ये छापेमारी अभियान किया जा रहा है और हमास के लड़ाकों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें चुन चुन कर खोजा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इजराइल सेना की ये रामल्ला में छापेमारी की तस्वीरें हैं। और देखिए गाजा की हालत पर यूएन की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। गाजा में खाने का सामान खत्म हो चुका है, ये यूएन मान रहा है। राफा क्रॉसिंग के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है जिसके जरिए गाजा के लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। गाजा पट्टी लगभग पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंच नहीं पा रही और इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। इस हमले को एक महीना होने आ रहा है और 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है। स्टेरोट पुलिस स्टेशन पर हमले का यह वीडियो है। दर्जनों लड़ाकों ने थाने पर हमला किया था, अल कसाम ब्रिगेड ने यह हमला किया था जिसका वीडियो
इस वक्त आप देख रहे हैं जो ठीक एक महीने पहले का है, वो तस्वीरें जब किस तरह से स्टेड रोड थाने पर हमला किया गया था, दर्जनों लड़ाकों ने इसमें इस स्टेशन को टारगेट किया था, उसकी तस्वीरें देखिए। गाड़ियों के पीछे से आगे से ये लड़ाके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच इसराइल के स्टेडोट इलाके में जहां पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां अब जमीन समतल हो गई है उस थाने की जगह से। संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। जंग के 31वें दिन हम इस वक्त गाजा बॉर्डर से महज 3 किलोमीटर अंदर इजरायली क्षेत्र में मौजूद है, जिसे सेड रोड कहा जाता है। और ये 7 अक्टूबर को वो पहला इलाका है जहां पर हमला किया गया था, और जहां पर मैं खड़ा हूं ये वही पुलिस स्टेशन है जिस पर हमला करके 58 पुलिसकर्मियों को हमास के लड़ाकों ने मार दिया था। वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर हमला है, आज की स्थिति क्या है वो भी दिखाऊंगा, और कल यानी 7 अक्टूबर के पहले स्थिति कैसी थी वो देख लीजिए। इस तरह की 3 मंजिला एक बड़ी इमारत जो पुलिस स्टेशन थी वो इस जगह पर, यानी इस बिल्डिंग के ठीक सामने इस एरिया में, जो अब खत्म हो चुकी है, जहां एक समतल जमीन आपको नजर आ रही है। इस पूरे एरिया में एक बड़ा पुलिस स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में अब आप देखेंगे अगर तो यहां पर समतल जमीन चारों तरफ नजर आ रही है। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर 58 पुलिसकर्मी उस वक्त यहां पर मौजूद थे और इस इलाके की सुरक्षा में तैनात थे, क्योंकि इस इलाके के सामने यानी पुलिस स्टेशन के सामने के इलाके में एक बड़ा रिहायशी इलाका है जिसकी सुरक्षा में ये पूरे जवान तैनात। इसराइल हमास जंग से जुड़ी हर खबर TV9 भारतवर्ष पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, सटीक जानकारी और पूरा विश्लेषण।